हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे। दोस्तों, आपने पिछले दो साल पहले देखा होगा गवर्नमेंट हमारे देश में जीएसटी लेके आई थी। उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे टैक्स कलेक्शन में, बट स्टिल अगर आप अभी भी देखें तो जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू कलेक्शन में, उसमें वो मीट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो पूरा बैलेंस है वो मीट नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे पिछले कई सारे लेक्चर में एनपीए के बारे में भी बोलता आ रहा हूँ कि एनपीए की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन सारे वजहों से गवर्नमेंट को कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए, जिसकी वजह से वो फिजिकल डेफिसिट को और अच्छे से मीट कर पाए और जो बैंकिंग में जो सिचुएशन है उसको और इम्प्रूव कर पाए। इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीआई जो है वो हर साल गवर्नमेंट को कुछ डिविडेंड पे करती है। वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में आगे कि वो क्या डिविडेंड होता है, क्यों पे करती है। बट पिछले जो 2016 का जो ईयर रहा है उसमें आरबीआई ने गवर्नमेंट को थोड़ा कम डिविडेंड दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ये कहना था आरबीआई से कि आपके पास कुछ ज़्यादा एक्सेस कैपिटल रखा है, हम चाहते हैं आप उस एक्सेस कैपिटल में से गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा दे दें। बट इसमें आरबीआई सहमत नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं बिमल जलान कमेटी। जैसा कि आपको पता है बिमल जलान हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। तो इस पूरे कमेटी की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसके बारे में हम जानेंगे। और जितनी भी बातें मैंने आपसे बताई कि आरबीआई को क्या डिविडेंड पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ मी अंकित अग्रवाल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि आरबीआई वो कौन से टूल को यूज़ करेगा इन चारों में से, जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि एक कमिटी फॉर्म की गई थी इन दिसंबर 2018, और ये कमिटी का बेसिकली रिकमेंड क्या करना था इस कमिटी को, इट हैज़ टू रिकमेंड द अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता क्या है। तो उसके पहले आपको समझना होगा व्हाट इज इकोनॉमिक कैपिटल। बेसिकली इट इज़ द कैपिटल दैट एन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स और नीड्स टू होल्ड एज अ काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट और लॉसेज इन द फ्यूचर। याद है मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक बेसल थ्री के ऊपर लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बात की थी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका बेसिकली मतलब ये होता था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक को कुछ रिजर्व रखना होता है अपने पास, ताकि वो आगे कि अगर कोई अचानक से कोई रिस्क आ जाए, कुछ लॉस अकर हो जाए, ताकि उस रिजर्व से वो बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन सेव हो सके। तो उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। यहाँ पे आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आरबीआई को भी कुछ रिजर्व रखना होता है अपने पास, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए तो उसको बेयर कर सके आरबीआई, ठीक है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि कितना रिजर्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या आरबीआई के पास ज़्यादा रिजर्व तो नहीं है। तो इसको पूरा एक फ्रेमवर्क देने के लिए हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इस कमेटी को ये रिकमेंड करना था कि जो आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है वो कैसा होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आरबीआई के पास इस समय एक्स्ट्रा कैपिटल है, दैट इज एक्सेस कैपिटल है इस समय आरबीआई के पास। इसलिए इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि वो एक्सेस कैपिटल को वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दें, और वो ट्रांसफ़र होना चाहिए ओवर 3 to 5 years। मतलब एक बार में सारा कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं करें, धीरे धीरे विथिन 3 to 5 years इस कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दें। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स थे, आप राइट में देख सकते हैं, और जो चेयरमैन थे जैसा मैंने बताया बिमल जलान, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो दूसरे इसमें वाइस चेयरमैन थे इस कमेटी के, वो थे राकेश मोहन। बेसिकली राकेश मोहन फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। तो यहाँ पे पूरे कमेटी का ये कहना है कि ट्रांसफ़र करना चाहिए एक्सेस कैपिटल गवर्नमेंट को आरबीआई से। लेकिन जो यहाँ इसके वाइस चेयरमैन है उनका एक डिसेंट नोट है इसमें, उसमें इन्होंने ये कहा है कि राकेश मोहन ने ये कहा है कि ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वो आरबीआई के लिए ठीक है, इसे हमें ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। तो एक मेंबर का इसमें डिसेंट भी है।
आगे इस कमेटी ने एक और चीज़ कहा था कि जो भी वो फ्रेमवर्क बना रही है, जो भी वो फ्रेमवर्क बना रही है कि कितना कैपिटल ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसको पीरियोडिकली रिव्यू भी करना चाहिए। एक पीरियड हो सकता है 3 साल या 5 साल बाद इसको रिव्यू करना चाहिए कि आरबीआई के पास कितना रिस्क को झेलने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। मैं इस पर फिर से आऊँगा इस स्लाइड्स पे, उसके पहले हम और भी काफ़ी कुछ जान लेते हैं। बेसिकली इस कमेटी को फॉर्म क्यों किया गया, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक टसल सी चल रही थी। ठीक है, बेसिकली आपको पता हो जब अभी शक्तिकांता दास हमारे गवर्नर हैं, इसके पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे, तो बेसिकली याद हो आपको 2016 में एक डीमोनेटाइजेशन आया था, आप सभी को पता होगा डीमोनेटाइजेशन। तो उस समय डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के पास काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हुए थे, आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस झेलना पड़ा था उसकी वजह से। तो इससे हुआ क्या कि अचानक से आरबीआई कुछ डिविडेंड पे करती है, मैं इसके आगे बताऊँगा वीडियो में कि वो डिविडेंड क्यों पे करना होता है आरबीआई को, गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो डिविडेंड पे करना था वो अचानक से 2015 में 65,000 करोड़ के आसपास था, वो गिर के हो गया 2017 में 30,000 करोड़ के आसपास। और इसका रीज़न क्या था, बेसिकली डीमोनेटाइजेशन। तो सरकार ये कह रही थी कि ठीक है आपने मुझे डिविडेंड कम पे किया है, इट्स ओके, बट हम चाहते हैं कि आप अपने कंटिनजेंसी रिजर्व, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा आगे, कंटिनजेंसी रिजर्व से आप कुछ हिस्सा हमें ट्रांसफ़र कर दें, एक कुछ लमसम अमाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन इसमें उर्जित पटेल इससे सहमत नहीं थे, इसकी वजह से एट द एंड 2018 में दोनों ने, गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर एक सहमति जताई कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी डिसाइड करेगा कि कितना सरप्लस है सेंट्रल बैंक के पास इस समय और कितना हम उसको शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसी की वजह से ये कमेटी बनाई गई थी, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये आरबीआई क्यों ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट को ये फंड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में जान लेते हैं। बेसिकली आरबीआई को आप सबको पता है एक 1935 में इनॉग्रेट किया गया था, जो आरबीआई है वो हमारा कब इस्टैब्लिश हुआ है 1935 में। तो यहाँ पे बेसिकली जब इस्टैब्लिश हुआ था तो वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर के तौर पर इस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। अब नेशनलाइज्ड कर दिया गया इसका मतलब क्या है कि इसका जो सोल ओनर है, सिंगल ओनर, वो कौन हो जाएगा, गवर्नमेंट, ये टोटली गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो जैसा कि आपको पता है अगर कोई भी कंपनी होती है, कोई भी अगर इंडस्ट्री होती है, अगर उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, डिविडेंड पे करना होता है, वो किसके पास जाता है, ओनर के पास जाता है। तो आरबीआई के पास अगर कोई भी प्रॉफिट या फिर डिविडेंड होगा वो किसके पास जाएगा, तो वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो इसीलिए एक सेक्शन 47 है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो ये कहता है कि जो भी सरप्लस है वो आरबीआई को ट्रांसफ़र करना होगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई क्यों गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफ़र करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आरबीआई कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं, आरबीआई कोई एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई की तरह तो है नहीं कि उसको हर साल कुछ प्रॉफिट होता हो, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं आरबीआई को भी काफ़ी सारे अर्निंग्स होते हैं। वो अर्निंग्स कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे रिटर्न फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट। आपको पता होगा कि आरबीआई काफ़ी ज़्यादा डील करता है, कभी डॉलर खरीदता है बेचता है, तो ये जो फॉरेन करेंसी जितने भी एसेट हैं उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है कई बार, तो वो एक प्रॉफिट हो गया, इससे आरबीआई को अर्निंग होती है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बेसिकली गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है फंड रेस करने के लिए, तो ये जब बॉन्ड इशू किया जाता है तो वो आरबीआई इसको बॉन्ड को इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आरबीआई को काफ़ी सारा इंटरेस्ट मिलता है जिससे उसको अर्निंग होती है। अब आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड गोल्ड। आप सबको पता है कि आरबीआई के पास कुछ एसेट होते हैं जैसे कि फॉरेन करेंसी में, जैसे कि काफ़ी सारे डॉलर्स होते हैं, आरबीआई के पास काफ़ी सारे गोल्ड भी हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम ये भी पता होगा कि गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो चेंज होती रहती है। तो सपोज़ अगर गोल्ड का प्राइस 20,000 था पहले, तो अगर वो 40,000 हो गया तो आरबीआई को कितनी अर्निंग हुई, रिवैल्यूएशन कितना हुआ उसका 20,000 का, तो वो किस में चला जाएगा, अर्निंग में। तो इसकी वजह से, इन सारे वजह चीज़ों की वजह से आरबीआई को भी अर्निंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि रिजर्व कितना है इस समय आरबीआई के पास, तो लेट मी टेल यू, ये जो मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ, तो आप नॉर्मली जो पेपर या फिर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि इस समय आरबीआई के पास 400 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, मैं उस रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट मी रिपीट दिस अगेन कि जो 400 बिलियन डॉलर जो कि आरबीआई के पास रहता है
जैसे कि फॉरेन करेंसी एसेट में, वो उन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आरबीआई के दूसरे रिजर्व की बात कर रहा हूँ, जो कि आरबीआई रखता है अपने पास, जो इकोनॉमिक कैपिटल है। रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि वॉट इज इकोनॉमिक कैपिटल। तो इकोनॉमिक कैपिटल जो कि रिस्क से बचने के लिए आरबीआई जो रिजर्व रखता है, मैं उस रिजर्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, एक है कंटिनजेंसी फंड। कंटिनजेंसी का बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगेन कंटिनजेंसी मतलब क्या होता है कि रिस्क बेयर करने के लिए आप कुछ रिजर्व रखते हो, उसको हम कहते हैं कंटिनजेंसी फंड। तो बेसिकली आप यहां देखिए, इस समय कंटिनजेंसी फंड में है आरबीआई के पास 2.32 लाख करोड़ में है बेसिकली ये 2.32 लाख करोड़। यहाँ पे आप करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे अचानक से काफ़ी तेज बढ़ाया, ये हो गया है 6.92 लाख करोड़। तो टोटल इस समय आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो है 9.6 लाख करोड़ रुपीज़। और रिसेंटली अगर आप देखें यहाँ पे, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आरबीआई का जो करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2009 में आरबीआई के पास ये सिर्फ था 2 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन 2018 में ये अचानक से बढ़ के हो गया 7 लाख करोड़ के आसपास। तो याद है मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो आरबीआई के पास करेंसी और गोल्ड होता है, एसेट होती है, वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो उसकी जब रिवैल्यूएशन हुआ तो वो बढ़ के हो गया कितना, 6.92 लाख करोड़, अराउंड 7 लाख करोड़। तो ये बेसिकली इस समय आरबीआई के पास रिजर्व है। आपको ये नंबर इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, दैट इज 9.6 लाख करोड़। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो कितना परसेंटेज है उनके टोटल एसेट के हिसाब से। तो इस समय आरबीआई के पास टोटल 27% जो है वो रिजर्व है एज पर देयर एसेट। जितना भी एसेट है आरबीआई के पास उसका उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है कितना, 27%। बाकी सारे देशों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यूएस और यूके जैसी जो इकोनॉमी है उन्होंने करीब 13% से लेकर 14% तक रिजर्व रखा है। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि आरबीआई के पास रिजर्व इन सारे देशों से काफ़ी ज़्यादा है, 27%। लेकिन आप और भी अगर दूसरे देश से कंपेयर करें, जैसे कि रशिया के जो सेंट्रल बैंक है वो 27% से भी ज़्यादा रिजर्व रखती है। तो हमें दोनों एग्जाम्पल मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में कि आरबीआई से भी ज्यादा रखने वाले कुछ देश हैं और आरबीआई से कम रखने वाले भी कुछ देश हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपके मन में कोई डाउट है कि क्या ये पहली कमेटी बनी है जो बिमल जलान कमेटी है, क्या वो पहली कमेटी बनी है जो कि इकोनॉमिक कैपिटल पे फ्रेमवर्क बना रही है, जी नहीं। इसके पहले 1997 में वी सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि सिर्फ 12% रिजर्व होना चाहिए आरबीआई के पास। आप यहाँ पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि 27% इस समय करंट में रिजर्व है, लेकिन सुब्रमण्यम कमेटी ने बोला था कि सिर्फ 12% होना चाहिए। अगेन 2004 में एक कमेटी बनी थी थोराट कमेटी, जिन्होंने 18% रिजर्व की बात की। और वाईएच मालेगाम कमेटी बनी थी 2013 में, उन्होंने कहा, बेसिकली उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी तक जितना 2013 तक जितना भी रिजर्व हो चुका है आरबीआई के पास वो एनफ है, इसके आगे चल के और ज़्यादा रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपको कमेटी ध्यान में रखना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। अब अगर आप एक्सपर्ट्स का व्यू लें कि एक्सपर्ट का व्यू क्या कहना है कि क्या आरबीआई को इतना ज़्यादा रिजर्व रखना चाहिए अपने पास, तो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट का ये कहना है कि आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिजर्व है, कैपिटल है अपने रिस्क को कवर करने के लिए, इसलिए और ज़्यादा रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर आप देखें, रिसेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का भी एक कमेंट था इसमें, दैट इज़ अरविंद सुब्रमण्यम का, जो हमारे पहले फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उन्होंने 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बताया था कि इस समय आरबीआई के पास ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का एक्सेस कैपिटल है। रिमेंबर इस समय प्रेजेंट में कितना है, 9.6 लाख करोड़। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ने क्या कहा इकोनॉमिक सर्वे में कि 4 लाख करोड़ ऑलरेडी ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए वो चाहते थे कि ये 4 लाख करोड़ वो गवर्नमेंट को दे दिया जाए और गवर्नमेंट इससे जो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक है वो कर सके, जो एनपीए की प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर बैंक में उन बैंक को दे सके, ताकि जो एनपीए की प्रॉब्लम हमारे देश में जो चल रही है वो उसमें सुधार आ सके। लेकिन हमें आरबीआई के व्यू को भी देखना चाहिए कि आरबीआई का क्या कहना है इस पे। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आरबीआई हमेशा से एक स्टैंड मेंटेन करते आ रही है, क्योंकि इंडिया एक अलग इकोनॉमी है, हमें दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि यूएस और यूके की बात की हमने, उन्हें कहा कि आरबीआई को ज़रूरत है एक स्ट्रांग बैलेंस शीट रखने की, ज़्यादा रिजर्व रखने की, ताकि पॉसिबल जो भी क्राइसिस आ सके, अगर आती है, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक लगता है हमारे इकोनॉमी को,
वो आरबीआई उसको मीट कर सके अच्छे ढंग से। तो आरबीआई का ये कहना है कि वो और ज़्यादा जो रिजर्व है वो शिफ्ट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट के पास। अब आप ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या क्या कर सकती है अगर आरबीआई ट्रांसफर करती है, अगर जो रिजर्व आरबीआई के पास है उसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सबसे पहले तो ये है कि वो रिकैपिटलाइज कर सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक को। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि SBI, PNB, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अगर हमारे देश में टोटल जितने लोग हैं उन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है हमारे बैंकों में, उसमें से 65% जो पैसा लोगों ने जमा किया है वो किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। लेकिन अगर आप NPA की प्रॉब्लम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 85% जो NPA की प्रॉब्लम है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में है। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक को इस रुपए से सुधार सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बैंकिंग जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंप्रूव हो सकेगी। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, GST से जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की वो मीट नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म का जो उनका टारगेट है फिजिकल डेफिसिट को 3% करना, वो भी इस जो एक्स्ट्रा रिजर्व है अगर सपोज RBI देती है गवर्नमेंट को तो वो भी कहीं ना कहीं इससे मीट कर सकेंगे, और जो हमारा फिजिकल प्रूडेंस है हमारे पूरे इकॉनमी का वो और अच्छा हो सकेगा, इससे हमारी जो इमेज है हमारी की और बेहतर हो सकती है। तो वापस मैं फिर से फर्स्ट स्लाइड पे आता हूं, तो अब आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कमिटी क्यों बनाई गई। तो बेसिकली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व है आरबीआई के पास जो कि मैंने बताया 9.6 लाख करोड़ इस समय, इसमें से कुछ पैसा वो चाहती है कमिटी की 3 से 5 सालों तक धीरे धीरे, हो सकता है कि एक बार 50,000 करोड़ हो सकता है, फिर नेक्स्ट ईयर में 60,000 करोड़, इस तरह धीरे धीरे करते कि कुछ पैसा, अभी तक एग्जैक्ट डिटेल नहीं आई है, वो चाहती है कमिटी की सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, लास्ट में हम एक वे फॉरवर्ड देख सकते हैं इसमें क्या आगे और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए किसी भी देश के लिए उसके सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ सालों से देखा होगा, पिछले 3-4-5 साल से, कि काफ़ी सारे रेजिग्नेशन भी हुए हैं, जैसे कि रघुराम राजन का रेजिग्नेशन, तो उनका बेसिकली एक स्टैंड था कि कहीं ना कहीं सरकार उनको एक स्पेस नहीं दे पा रही है ऑटोनॉमी के नज़रिए से। तो किसी भी देश के लिए उनकी जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे उनकी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स जो बाहर से FDI या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यह करना होगा। दूसरी बात, जहां तक रिजर्व की बात है, रिजर्व ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे चर्चा किया हमने जिसकी इस पूरे लेक्चर में, हमें उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। दोस्तों इंस्टीट्यूशनलाइज बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, एक कमिटी बना देनी होगी परमानेंट, ताकि वो टाइम टू टाइम वो ये देख सके कि कितना जो है रिजर्व इस समय RBI के पास है और कितना उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आगे लास्ट में हम देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्या कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो लिक्विडिटी है, मतलब जो कैश हमारे इकोनॉमी में, उसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिड्यूस कर सकते हैं हम अपनी लिक्विडिटी। पहला है बैंक रेट, तो बैंक रेट से अगर हम रिड्यूस करते हैं, बैंक रेट को घटाते हैं, तो क्या लिक्विडिटी कम होगी? जी नहीं, क्योंकि बैंक रेट घटाएंगे तो लोग और ज़्यादा लोन लेंगे, इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड, अगर आप स्टेटमेंट देखें, रिडक्शन इन रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक RBI के पास पैसा जमा करते हैं, तो क्या इसको रिड्यूस करने से लिक्विडिटी कम होगी? जी नहीं, इससे रिड्यूस करने से लिक्विडिटी कम नहीं होगी। लेकिन बाकी जो दो ऑप्शन है, दैट इज इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे क्या होगा कि बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसे हो जाएंगे और जो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, और हम उसको फिर इन्फ्लेशन से टैकल कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 3 और 4 ओनली। तो आई होप दोस्तों इस पूरे लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस बेसिकली बिमल जलान कमेटी का मकसद क्या था, उनका क्या रिकमेंडेशन हुआ, और जो रिजर्व की जो पूरा जो फ्रेमवर्क है वो कैसे होना चाहिए, इस समय क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, RBI के पास कितने रिजर्व हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, आई विल सी यू सून।